बिल्कुल, महिलाएं तो मुझे लगता नहीं है देना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें खुला खुला बोल सकता हूं कि महिलाओं को ऐसे मानसिकता वाले लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। आप किस मुंह से इनको समर्थन कर रही हो या करोगे या जो भी लोग करें, वह गुरु और शिष्य का रिलेशन होता है, वो पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ये जिस तरह से बयानबाजी करी उन्होंने, जिस तरह से बोला, एक मैं एक एक साइड और देखता हूँ मैं इसमें, क्या बोलते हैं ना कि दुष्प्रचार जो है वो बड़ी तेजी से फैलता है। तो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए राखी सावंत जैसे अपने आप को करते हैं ना, ये दूसरे राखी सावंत बन गए, तो ये लोग क्या सुरक्षा करेंगे? दिल्ली में लड़की घसीटी जाती है 10 किलोमीटर तक। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ हरीश असवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। सड़कों पर महिलाएं और जो पुरुष है वो उतर आए हैं, जो राजनीति से संबंध रखते हैं वो भी, जो राजनीति को समझते हैं वो भी, क्योंकि बात ही ऐसे नीतीश बाबू ने कही है। और जो बात कही है वो मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती क्योंकि एक महिला होने के नाते मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि एक बीटेक किए हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने शब्दों को कहां ले गए और उन्होंने क्या बोला है शायद उसे अंदाजा भी नहीं है। हो सकता है कि आज उन्होंने माफी मांगी है, एहसास हो गया हो, लेकिन जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे लगा नहीं कि हाँ उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने किस तरह की बयानबाजी की है। नीतीश बाबू विधानसभा के अंदर खड़े होकर सेक्स ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, क्या महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना जरूरी है? देखिए काजल, ऐसा है कि मैं तो पहले से ही जब मैंने बोला था कि गठबंधन और दल बदलू जिस भी जो चरित्र है इनका, वो उनका बेसिक नेचर जो है ना वो कुछ इसी प्रकार का है। रावण भी था तो रावण को जब दुर्बुद्धि आई तो इतना बड़ा ब्राह्मण भी बिगड़ गया था। तो ये जितना मर्जी मुखौटा पहन ले, इनकी मानसिकता ये दिखाती है कहाँ इनके ऊपर भूलते हैं कि किस तरह से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और ये इस तरह की बयानबाजी करने लगे और क्या क्या बोल गए। आप समझ सकते हो कि दो दोस्त भी आपस में ऐसे नहीं बात कर सकते, पति पत्नी भी आपस में ऐसे बात नहीं कर सकते, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। तो सोचने की बात है कि मुख्यमंत्री होते हुए और महिला आरक्षण के ऊपर आप बात करते हुए, जिन्होंने महिला आरक्षण को लेकर बात की, और आज आप जातिवाद जनगणना के ऊपर बात कर रहे थे, और इस तरह की बयानबाजी, कौन सी बात का कहां से सिरा पकड़े कुछ नहीं पता। अब सोचिए कि ये बेसिक नेचर जो होता है ना किसी भी व्यक्ति का, वो कहीं ना कहीं निकल के, आप उसे कितना मर्जी दबा लो, बेसिक नेचर के ऊपर मैं कितना कुछ बोल सकता हूं कि आप उसे कितने मर्जी मुखौटे पहना लो, उसे कितना सुंदर बना लो। बोलते ना कि बोलने वाली तो जुबान है, वो कितना मर्जी सुंदर लगे, बोले, हैंडसम बना लो, कोट पैंट पहना लो, पर मुंह से बोलते ही पता लगेगा। तो बोलता कि मुंह खोलेगा तो बोले पता लगेगा कि है क्या अंदर, वही हुआ है। साक्षरता दर की बात नीतीश बाबू कर रहे थे अपने संबोधन में, कहते हैं कि 2011 की जनगणना की तुलना में साक्षरता दर जो है 61% से बढ़कर करीब करीब 80% से ऊपर हो गई है, जिसमें अगर महिला साक्षरता की मैं बात करूं तो उसमें सुधार हुआ है, महिला साक्षरता में सुधार हुआ है। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि 51% से बढ़कर 73% से ऊपर हो गई है, महिला शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है, मैट्रिक पास संख्या जो है 24 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई है, इंटर पास महिलाओं की संख्या पहले 12,55,000 थी तो अब 42 लाख से ऊपर है, ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या 4,35,000 से बढ़कर 34 लाख के पार हो गई है। एक तरफ आप महिला की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ बात करते करते ये बात कहां से आ गई, सवाल ये है कि आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? महिलाओं की शिक्षा के ऊपर ये बात कर रहे हैं, अब महिलाओं का शिक्षा दर देखेंगे, आपने हमने पढ़ के भी सुनाया कितना बड़ा है, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से महिलाएं आगे आ रही हैं हर क्षेत्र में, पढ़ा लिखा होना उनके लिए ज्यादा जरूरी नहीं, आज की डेट में ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये कौन सी कॉलेज से डिग्री करके आए हैं और कौन से स्कूल में ये पढ़े हैं जहां इस तरह की भाषा पढ़ाई जाती थी? मुख्यमंत्री होने के लायक नहीं है आदमी कि इस तरह की भाषा, वहां विधानसभा में क्या हालत हुई होगी महिलाओं की? बहुत सारे वीडियोस ऐसे सामने आए हैं जो महिला सदस्य हैं वोट कर बाहर आ गई,
बाहर आकर वो रोई हैं कैमरे के सामने, और उनका सिर्फ एक ही बयान था कि हमें नहीं पता था कि हमारे मुख्यमंत्री इस तरह की मानसिकता रखते हैं महिलाओं के लिए। आप सोच भी नहीं आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप एक तरफ आशा रखते हैं प्रधानमंत्री बनने की। आप सोचिए कि अगर ऐसे ऐसे आदमी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी या इन्हीं लोगों से बचती हुई नजर आएंगी कि जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। तो मैं बिल्कुल, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, इस तरह की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति समाज के लिए और परिवार के लिए, तो जो है वो अपने परिवार के लिए होगा, वो समाज के लिए बड़ा खतरनाक है। क्या महिलाओं की रिस्पेक्ट ये करेंगे, किस तरह से करेंगे, समझ नहीं आया। और मैं बोलता हूँ बिहार की बात करते हैं, देश दुनिया में जितने बिहार से पढ़े लिखे लोग हैं, IAS, IPS, PCS, जितने बिहार से निकलते हैं दुनिया में कहीं नहीं निकलते। देश विदेशों में भी आज बिहार का डंका बजता है, किसके पढ़े लिखे होने की बात कर रहे हैं। आपने देखा महिलाएं कितनी आगे जा रही हैं वहां पर। तो ये क्या वोट की राजनीति में कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरे लालू की जो पार्टी है वो उसमें समर्थन कर रही है, तो सोचिए कि आप उससे दरकिनार कर सकते हो उस बयानबाजी से, और उसका समर्थन कर रहे हो, उसको आप कहां खींच के ले जा रहे हो। आप सोचिए कि मतलब कोई जब कोई जोड़ ना मिले तो कहीं से कहीं कोई भी जोड़ दो। तो ये कहानी जब हुआ है तो मैं समझता हूं कि अच्छा है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, लोगों को पता लगा, महिलाओं को पता लगा कि हमारे मुख्यमंत्री की मानसिकता ऐसी है, देश को पता लगा कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी रखते हैं, ऐसे गठबंधन के नेता हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। मैं गठबंधन के और भी नेताओं की बात करूंगा कि लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे भी मानसिकता वाले उस गठबंधन में हैं, उस परिवार के लोग गठबंधन में हैं। तो ये लोग क्या सुरक्षा करेंगे? दिल्ली में लड़की घसीटी जाती है 10 किलोमीटर तक, उस पार्टी के मुख्यमंत्री भी इस गठबंधन में हैं। असुरक्षा की और उसकी बात करोगे कहां की? एक तरफ तो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर जो मैंने आंकड़े बताए तो साक्षरता दर जो है वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये कि जनगणना की बात आप करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की आप बात करते हैं, तो जनगणना के बाद जनसंख्या नियंत्रण का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए जागरूकता होना जरूरी है, ना कि इस तरह का बयान देकर आप ये आप क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश की जो बेटियां, उनको क्या सिखा रहे हैं आप? मतलब ये मैं बोलूंगा कि ये सेक्स के ऊपर पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वहां पर। ये तो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है बच्चों को, बताने की जरूरत है? ये जिस तरह से बयानबाजी करी उन्होंने, जिस तरह से बोला, एक मैं एक साइड और देखता हूं मैं इसमें, क्या बोलते हैं ना कि दुष्प्रचार जो है वो बड़ी तेजी से फैलता है, तो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए राखी सावंत जैसे अपने आप को करते हैं ना, ये दूसरे राखी सावंत बन गए कि कुछ भी करो उल्टा सीधा बोलो, किसी को कुछ भी बोलो उल्टा, अपने आप को लाइमलाइट में रखना है, टॉप में रखना है कि नीतीश कुमार जिंदा है, नीतीश कुमार है, राजनीति में उनकी एक दखलंदाजी है, चाहे उल्टे सीधे बयानों से हो कुछ हो। इसी तरह से राखी सावंत भी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी बोलती हैं तो सिर्फ दिखाती कि मैं बॉलीवुड का पार्ट हूं, तो वही राजनीति का पार्ट इन्होंने दिखाया। मैं इनकी तुलना बिल्कुल राखी सावंत से कर रहा हूं, इस तरह की मानसिकता रखेंगे तो राखी सावंत ही हैं ये राजनीति के। बिल्कुल, और ये हमें समझने की जरूरत है कि एक ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां की संस्कृति को बहुत ज्यादा माना जाता है, वहां का मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहा है, उम्मीद रखता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बने। ऐसे में देखिए, जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी छवि अच्छी करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बयानबाजी के बाद तो महिलाएं तो इन्हें वोट देने से रहीं। बिल्कुल, महिलाएं तो मुझे लगता नहीं है देना भी नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल इसमें खुला बोल सकता हूं कि महिलाओं को ऐसे मानसिकता वाले लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। मैं तो बोलता अपनी पार्टी के लोगों को भी वोट नहीं देना चाहिए इनको, कि आप किस मुंह से इनको समर्थन कर रही हो या करोगे या जो भी लोग करें, क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? वो लोग नहीं समझ सकते कि हमारा प्रधानमंत्री बनने वाला दावेदार वाला व्यक्ति वो इस तरह की मानसिकता रखता है? तो ये समझने की सबको जरूरत है। हमारे देश में अभी भी इन सब चीजों को बहुत गोपनीय रखा जाता है, बहुत छुपा के रखा जाता है। वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें तो वेस्टर्न कल्चर में भी किसी भी सदन के अंदर नहीं हुई होगी। कभी नहीं ऐसे वेस्टर्न कल्चर में भी ये नहीं सिखाया जाता कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करें या इस तरह का कुछ बोले। किसी चीज के सब्जेक्ट पे बोलना एक अलग चीज होती है, आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं वो अलग चीज है, वहां एक गुरु और शिष्य का रिलेशन होता है,
वहां पर ये नहीं देखा जाता कि गुरु के सामने गुरु महिला है या पुरुष है, या उसके सामने और जो उसके विद्यार्थी हैं वो कौन से उसके हैं। वहाँ गुरु और शिष्य का रिलेशन होता है, वो पढ़ाने का तरीका अलग होता है, पर यहाँ तो मखौल की तरह इन्होंने इस चीज को रखा और इस तरह से रखा। लोग हैं जो पीछे हंस रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जितने बारात में उनके लोग आए हैं इस तरह का समर्थन करते हैं, तो ये सब उन्होंने घर में अपने किया होगा, अपने घर के सभी लोग, मैं बोलूंगा कि उनके घर में इसी तरह की मानसिकता होगी तभी वो हंस रहे हैं। शायद सबको खड़ा हो जाना चाहिए था उस टाइम और उनके अगेंस्ट में बोल देना चाहिए कि साहब आप क्या बोल रहे हो। बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, तो बॉयकॉट तो कल ही उनका हो सकता था। बिल्कुल, ये हमें समझना है कि हम किस बात पे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के सीएम सपना रखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन बयानबाजी देखिए जिस पर सियासत गर्मा गई है। अब आप ही बताइए कमेंट करके कि नीतीश बाबू ने जो बातें कही हैं विधानसभा के अंदर, क्या वो माफी के लायक हैं? और जिस तरह से आज उन्होंने माफी मांगी है, वो सच में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है या सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं?